नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट डे और उनके थीम हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिना देर के चलते अपने टॉपिक पे। विश्व संस्कृति दिवस, तो विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है, और जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को जो है 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है, और यह दिन जो है संस्कृति की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो यह है सप्ताह का 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2020 में जो है इसका विषय है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट, हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है, और यह जो है भयावह घटना है यानी भयानक घटना है कि 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया, और यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल यानी कि हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, और यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ जो कि मनाया गया आपका 8 अगस्त को मनाया गया, 78वीं वर्षगांठ हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाले अगस्त क्रांति दिन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई, और राष्ट्र में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान, और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है, और यह दिन स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस जो ये 2020 का जो विषय है इसका COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस। तो यह मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन
के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन जो है किया है। विश्व जो है जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। और यह दिन जो है युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयास को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप में शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2020 का विषय क्या है इसका, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व अंगदान दिवस, तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। और यह दिन जो है अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक का जीवन बचा सकता है। ठीक है, और बात करें अंगदान के बारे में, तो अंगदान जो है दाता की मृत्यु के बाद उसके हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतों, फेफड़े, अग्न्याशय जैसे अंगों को बचा लेना या फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करना है जिसे अंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट, विश्व मानवता दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस। और यह दिन जो है मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या फिर जोखिम उठाया है। इस वर्ष यानी कि विश्व मानवता दिवस का जो है 11वां संस्करण मनाया गया। ठीक है, और 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए जो है हैशटैग रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। नेक्स्ट, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो है 76वीं जयंती मनाई जा रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की जो है शुरुआत की थी। इस साल जो है यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। भारत के लिए उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी और में इसको इनका योगदान दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। और यह दिन जो है भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने के लिए विकास अथवा नगरीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। ऐसे में समय में उन लोगों के बीच नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जो है जागरूकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण बन जाता है जो कि इस विषय से अभिनज्ञ हैं यानी कि अनजान हैं। ठीक है, और जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी और जो कि अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
और इसके बाद बता दें कि अक्षय ऊर्जा दिवस से जो संबंधित पहला जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो किया गया था पहला कार्यक्रम आयोजित नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट। आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन जो है दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल या मौत का शिकार हुए लोगों या पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष जो है तीसरा दिवस मनाया गया जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए जो है समय निकालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसों के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठों नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा जो है विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस जो है समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस के इतिहास के बारे में, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाए जाने का फैसला किया गया था, और इस दिन की शुरुआत जो है आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो यह मनाया गया आपका 23 अगस्त को मनाया गया, और यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। अगला है महिला समानता दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, और जो है अमेरिका में 26 अगस्त को अमेरिकी महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो है इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। महिला समानता दिवस को अब महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है, और अमेरिकी जो संविधान है उन अमेरिकी संविधान में 19वां संशोधन 1920 में अपनाया गया था यह दिवस, और यह कानून जो है अमेरिका में नागरिकों के लिए लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार को खत्म करता है, और महिला समानता दिवस पहली बार जो है 1972 में मनाया गया था 1972 में, और जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाना था। इसकी उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिन को पहली आधिकारिक घोषणा की थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को जो है
पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इनकी राशियों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। अगर आप देखना चाहते थे तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है बताया गया है कि इस कितनी राशि से कितनी राशि इसका बढ़ा है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। अब तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से मनाया जाता है और 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के जो है राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया, ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी आपका 2012 में। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी चैनल पे जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।